तो गाइस सीधे हमन चकना पानी चकना लेके पानी चकना पानी लेके पर्वतारोही करत हन दे। अब देखा था भगवदन नहीं हो हो ये दी है चढ़ना ही है देख ले वो संगवारी मन बहुत पास में लोकेशन बढ़िया है। हाँ हाँ लोकेशन तो बढ़िया है बाकी फोटो तो पता नहीं कैसे आ रही है। सुबह टाइम बढ़िया रही थी व्यू है 5 बजे यहाँ का। सही बात। तो मैं मनीष मंडल आपका स्वागत करता हूँ। ऐसा मैं नहीं बोलने वाला हूँ। आज हम लोग समोसा वोसा खाने जाने वाले हैं और उसके साथ साथ स्कूटी स्कूटी को भी नहला देंगे साथ में। चलिए देखते हैं क्या क्या होता है। वैसे तो गाय घर वालों का भी ब्लॉग शूट कर लेंगे हम लोग। ठीक है आइए चलते हैं। चलते हैं पॉज करना वो मत कर दिखा यहाँ पॉज होता है देख रहे हैं। ये तो छोटा पहाड़ है। अब नीचे देख नीचे अब उधर हाँ रास्ते अभी इधर का भी व्यू लिया कर। हाँ हाँ ले रहा हूँ। क्या है डोंट हैव सफिशिएंट स्किल ऑफ कैमरामैन बट आई वांट टू डू सो। अरे तेरे में सेफ सॉइल जैसा लग रहा है पता है। एक्चुअली ये एक है ना सेफ सॉइल बोल के अभियान चला रहे हैं सदगुरु जी वैसे। और भाई बहुत ऊपर आगे लग रहा है। वो रवि है। कौन रवि पटेल पाटिल। अच्छा चुड़िंग चुड़िंग फिर मेरा कैसे दर्द है यार इतना में। मैं भाई मैं 1200 मीटर वाला वो पहाड़ भी चढ़ चुका हूँ। हाँ हाँ तुरतुरिया का मैं देखा था भाई ऐसी 1200-1300 है। हाँ हाँ चल देंगे अभी तो अपना ट्रिप विप करेंगे। अरे अंडा को मैं शाकाहारी नहीं मानता यार बहुत लोग है अंडा को शाकाहारी वकाहारी मानते हैं। मैं नहीं मानता एक्चुअली बता रहा हूँ। मैं वाइड एंगल ले रहा हूँ एक मिनट। अरे बाप रे इतना धूप है सामने भी देखेगा इस वहाँ पर गौथान जूम करेंगे वही वहाँ बढ़िया है। ग्रीन रूम ने मेंटेन किया देखना पूरा। अबे वही पे तो है बोल रहा हूँ उसके क्या है वो बगल वो क्या गौथान है वो गिनती में। तो देखिए दोस्तों ऐसा कुछ व्यू है एकदम शानदार। और गाइस स्पीकर भी हमारे पास देखो स्पीकर दिखा दे ब्रो ब्लूटूथ स्पीकर इसमें ये तो मोबाइल लाया ना। हाँ ठीक है चल गाना भी सुना सकते हैं। कॉपीराइट क्या दिल पे पत्थर रख मोबाइल है नित्य प्रदर्शन। तो क्या आप सनाई भी लाए हैं क्या साथ में। गैस इसकी नियत ठीक नहीं लग रही है तो गलत 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 राह पे चल रहे हैं। अजय तू गलत राह पे चल रहे हैं। अच्छा बंदे का नाम बताते हैं बंदा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। गाइस पैसा वैसा खंगी तो एकर घर पहुंच जा मांगे बा ठीक है एकदम दिल खोल के दिए जेब खोल के जेब खोल के दिए दिल में से तो खून निकल जाएगा। यहाँ से व्यू देखो। हाँ देखा वाह वाह हमारे लिए ही डिजाइन किए गए लग रहे हैं। यहाँ पर बैठा जाएगा बोल रहा मैं उधर थोड़ा देख के आते हैं उधर थोड़ा देख के आते हैं ना क्या पता बेटर लोकेशन। ओहो भाई यही रहना ये तो वाह वाह ना बेटर लोकेशन। जूम नहीं होता क्या यार वाइड एंगल में पता नहीं मेरे को ठीक। अब वो एक और पहाड़ है पता है कहाँ पर बड़ा है वो साइड देखो उधर। अच्छा वो अलग व्यू है। अच्छा उधर वो ऐसे वो है ना वो उधर ले तू हाथ देखा। हाँ वो अलग व्यू। अच्छा ले उधर किसी और दिन ले जाएंगे वो 6-7 जगह। हाँ इसमें जूम नहीं होता क्या यार वाइड एंगल में देखने तो नहीं पता है भाई। मैं खुद वाइड एंगल में फोटो लिया हूँ वीडियो भी बना रहा हूँ पहली बार सोच। गाइस ये देखिए ऐसा व्यू है थोड़ा सा काफी अच्छा है रियलिस्टिक एकदम ठीक है। ये डैम है ये डैम कुछ नाम है डैम ही बोलते हैं डोंगकरोड डैम बोलते हैं डोंगकरोड डैम। अच्छा ठीक पामगढ़ से जस्ट 3 किलोमीटर दूरी में। तेरा आवाज आ रहा होगा कि नहीं आ रहा। पामगढ़ से 3 किलोमीटर दूरी ससा रोड ठीक है। ये हाइट कितना हो गए 50 मीटर 50 मीटर होगा लग रहा है तेरे को मेरे क्या पता है नाप के वो टिक्नोमीटर लगा कितना हाइट है कितना इसका रहता है 150 क्या 150 मीटर ऊपर है हम लोग मतलब और ज्यादा 200 मीटर नहीं दो नहीं 150 फीट का फीट रहता तो 50 मीटर तो हुआ 150 फीट 150 फीट मतलब इसका ये जो टावर उसका हाइट 150 फीट यानी 50 मीटर ये और थोड़ा 80 फीट होगा 80 मीटर होगा तो फिर 100 मीटर बोल इधर आ और देखना हम लोग स्कूटी देखे वो तो वहाँ पर है। देख मैं टोटल वो बता रहा हूँ इधर हम लोग यहाँ पर हैं दिखाता है। भाई इतना फीचर वीचर नहीं है हम लोग यहाँ है स्कूटी यहाँ पर है देखिए
स्कूटी यहाँ पर है देखिए, इसको पार्टनर चाहिए ठीक है। अरे हम लोग को कवर और सब है पता है, लेकिन मिल नहीं रहा है। क्या कवर? स्कूटी ढकने का। दीदी जो है वो अपना स्कूटी ढक के रखती पता है, मेरे लिए भी दी है स्कूटी, लेकिन मैं ना एक्चुअली मैं चला के आता हूँ ना, तो तू यहाँ मंदिर लगा भगवान की मूर्ति, अरे फिर मंदिर फिर पुजारी बनेगा फिर अच्छा मंदिर बना के पैसा दिन दुख में बांटे कि अपना पैसा कलेक्ट करेंगे फिर धीरे डेवलपमेंट करेंगे धीरे से 50% मेरा बोले तब तो इधर और घूमने आएंगे भाई। सही है सोच रहा है बर के नीचे कैसे जी रहा है वो बर हाँ पत्थर थे में ना यही तो कुदरत का करिश्मा है का ये बर पेड़ 200 मीटर हाइट पे यहाँ पे है बर पेड़। अरे ये कांटा कांटा वाला है ये देसी कैक्टस है क्या? देसी कैक्टस होता नहीं है भाई। हाँ हाँ मैं देखा हूँ भाई, ये गड़ता है तो फिर गढ़ ही जाता है, फिर चिमटे से निकालना पड़ता है। अरे ये जब ये गड़ता है ना चिमटे से निकालना पड़ता है, सही बताओ। चल ना खाएंगे तब ब्रो, मेरा ठंडा हो रहा है जी, ठंडा हो जाएगा। ए इसको खाया है बनपुत्र? हाँ हाँ खाया हूँ मैं। ये दोस्तों जूता पहन के आना था लग रहा है गाइस, ही समझिए देसी ब्लैकबेरी है समझिए ठीक है। अरे वैसे इसको बेरीज ही बोलते हैं वैसे तो, ये टेस्टी लगता है, लेकिन गाइस सियान होने के बाद थोड़ा खाने में तो थोड़ा चिंता हो जाता है। हाँ नहीं खा लेता हूँ मैं ऐसा, बच्चों ने बहुत खाए हम लोग। अभी शायद हम लोग आए थे मैं और विक्रांत ना, तो भी खाए थे सर। इधर ही आया था? हाँ ऊपर आया था तो वे। अरे ब्रो क्या बोलते हैं, विक्रांत भी यहीं का है ना, यहाँ ऊपर आया टांगर का है ना, वो भी तो हाँ ऊपर आए थे, केला खाए थे हम लोग। चल इतना चिंता में क्यों है, तो मतलब दूसरी बार है तेरा? दूसरी बार नहीं तीसरी बार है, पापा के साथ भी आ चुका हूँ मैं। हाँ तो व्लॉग शूट करने गाय वाला देख लेना यूट्यूब में है, टाइटल वो नहीं है जो क्या बोलते हैं डिधर डिधर डैम है ऐसा ऐसा, कुछ गाय घर वाला टाइटल है। इसमें देखना तेरा व्यूज ज्यादा जाएगा। मैं काफी यंग लग रहा हूँ पता है, एकदम अभी अभी मैट्रिक पास हो ऐसा लग रहा है एकदम। मैं इधर सेव करवा दूंगा तो मेरे को आठवीं पढ़वा देगा भाई। नहीं रे सुन ना, लेकिन बता रहा हूँ मैं तो एक्चुअली में ना मतलब लड़का या दिखता सही बता रहा हूँ तू क्या, एक साल छोटा है बस, उतना कुछ पता नहीं चलता है। अरे भाई वो अच्छा लग रहा है। अरे इसमें ना अरे तुरंत तुरंत कैमरा चेंज करने का ऑप्शन देना चाहिए पता है, ये जो कैमरा दिया है उसको स्विच होना चाहिए पता है, ये दे दे लेकिन ऐसे फोटो खिंचाता है ये दे। अरे मेरे में वहीं पे स्विच वाला है, फोटो वाला नहीं है। मैं क्या है ना वीडियो बना तो मेरे को ना को मस्त व्यू। हाँ जाएंगे भाई इतना मस्त व्यू देखो, ये देखो हरियर हरियर। मैं वो क्या है ना फिर मेरे को उधर व्यू दिखाना आता तो इसको स्विच कर देना पड़ता है ना, हरियर हरियर उसको दिखा। क्या याद आ रहा है पता है, व्लॉगर लोग अपनी आंखों से ज्यादा कैमरा की आंखों से देखते हैं बोलते हैं ना, वो याद आ रहा है मेरे को। वो तो भाई वो सवाना घास का मैदान जैसा लग रहा है देखना एकदम, और मेरे को उसको देख क्या याद आ रहा है पता है, सुन सुन मैं क्या याद आ रहा है बताऊं। ओ हड़प्पा मोहनजोदड़ो में ऐसी खेती होता था भाई देखना। हाँ हाँ इसको एडिटिंग में जूम कर देंगे यार, इसे मेरे को यार वाइड एंगल में जूम नहीं हो रहा है, गलत है ना। ओ क्या है मेरे वो आदमी लोग का है या फिर इधर आदमी लोग का है ये गांव। हाँ ठीक है ना शूट करेंगे, कौन सा पैसा ले लेंगे नहीं लेंगे। दोस्तों यहाँ का भी बहुत अच्छा है एकदम, जूम करके थोड़ा दिखा देते हैं। पैसा वसूल है भैया, 6 जगह है 6 लोकेशन है, देख तेरे चेहरा इतना बड़ा दिख रहा है। क्या 6 लोकेशन है? 6 लोकेशन है डैम के पास। हाँ हाँ ये कौन सा है, धान का है ना ये हो जाए। चल देख इतना देर भी पता है धान ही का होता है इधर। अरे सुन ना एक बार मैं ना हम लोग के ब्लॉग में ना बैल को साथ गाय बोल दिया था, ऐसे कुछ हुआ था कमेंट आ गया होगा। अरे भाई तेरे को गाय और भैंस में नहीं फर्क पता, ऐसे बोलते है ना भैया भैया मैं भूल गया था वहाँ पे। अरे एक्चुअली मैं ना साहीवाल जो है ना वो बैल जैसे दिखता है, साहीवाल नस्ल है गाय। मेरे क्या लगता था जिस मतलब जिस मवेशी का जो हाइट है वो बड़ा रहता है वो बैल है लगता था मेरे को, सीधा बता रहा हूँ ठीक है। वो वाला जर्सी गाय बोलते हैं ना, लॉजिक मैं वैसे लगा रहा था तो फिर वो लॉजिक फेल हो गया, ऐसा ऐसा तो सीन है तो भाई ऐसे बोलते भाई तेरे को गाय और बैल में फर्क नहीं पता, और कमेंट आना शुरू हो मेरा। कौन किया था? कौन नहीं यार बहुत लोग है एक्चुअली, पता नहीं चलता वो नाम जा रहा है कैसा कैसा वो यूजर नेम रहता है।
सो गाइस हमारे पास है समोसा और भजिया है, इससे तो हमारा पेट भरेगा। आप ही लोग के बदौलत हम लोग पिज्जा पे शिफ्ट होंगे, पिज्जा पर, तो ऐसा चिंता मत करिए, धीरे से होंगे। लेकिन ये देसी खाना यही जचता है। ओह हो गाइस आप लोग भी स्वाद लीजिए। चलिए एक एक बस निकालना है, एक एक सबको एक एक निकालना है बस। चटनी चटनी बस एक एक बूंद है। बूंद बूंद दिखा दिखा, एक वो चटनी है ना। ठीक ठीक है, बड़ा ही अच्छा आ रहा था ना। तो दोस्तों चलिए खाते हैं, मैं काफी यंग दिख रहा हूँ भाई, एकदम ऐसा टाइप से। सेव करूँ क्या? नहीं तू सेव मत, मैं अपने देख लेना। मैं सेव, मैं तो मैं तो सेव नहीं करूँ ज्यादा। अरे तो वन में भी कराऊंगा तब भी तो बच्चा। वन में तो मैं वन में ही तो कराया, मैं तो बच्चा दिखूंगा ही ना, मेरे बाल ही नहीं तो ही। आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, दो साल में आ जाएगा फिक्स। सही है, दो साल है मेरे पास टाइम, जितना हाइट बढ़ा लो। अरे भाई दो साल में हाइट का, दाढ़ी बढ़ाना चाहता है कि हाइट में, क्या चाहता है तो? दोनों। तो हाइट तो तेरा है ठीक ठाक, थोड़ा और रहेगा तो क्या प्रॉब्लम रहेगा भाई। अच्छा ठीक ठीक। दोस्तों ये नजारा देखिए आप, खेत तो है, खेत है। दोस्तों चलिए दिखा देते हैं आपको, ये यहाँ पर बड़े सारे खेत ही खेत हैं। अब वो 5-6 लीटर रहता है उसका, पता है 10 है 10 है 10 है, लेकिन वो छोटा लग रहा है। हाँ ये गाइस पहले हम लोग, ये भाई हम लोग जाते थे, हम लोग पहले इसी बेर खाते थे स्कूल के पहले। गाइस हम लोग फर्स्ट ट्रिप में पहुँच जाते थे है ना स्कूल वैन से, तो हम लोग यही सब खाते थे। अभी हम लोग बैन भी लग गया था ना कि वो खूब बच्चे लोग वहाँ क्या क्या करने जाते हैं बोल के। खा के देखते हैं गाइस, मेरे घर वाले ब्लॉग देखे काका खाते रहता है बोल देंगे मेरे घर में। लेना कुछ नहीं, सब जान है देसी पालक। अबे देसी पालक रहा सेम कुछ नहीं होगा ऐसा वाला, थोड़ा खट्टा है। गोए वाला जल्दी बोल भैया, बड़ा वाला थोड़ी है, चार अंगुल का तेल दे है गुत्थी पाठा गुत्थी। देखिए गाइस अगर यहाँ से पैर फिसला तो पट ले मरीज जाएंगे फिर। अपने साथ स्पीकर लाए हैं, गाने का लाभ भी ले रहे हैं, लेकिन क्या कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा इसलिए आपको सुना नहीं पाएंगे। ये थैली में लेके घूम रहे, देखो थैली में लेके घूम रहे स्पीकर को। दोस्तों ये आँख का पेड़ है, जब भी कांटा कटीला लग जाता था पैर में तो इसका दूध डालते थे, आँख का पेड़ इसका रस है ना, तो बाहर आ जाता था ऐसा। ये हाँ हाँ दे दो ये, अरे अरे बाप अभी ये दे 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 नहीं कुछ होता है। अरे वो पापा के साथ भी गए थे हम लोग बेर तोड़े, अरे बेर के ऊपर पूरा एक वो बना है ब्लॉग, दिखा दे दे मेरे को, दे तोड़ के दे तोड़ के नहीं, अबे दे बोला हूँ तो तेरे को। वीडियो एक पैरासाइट वैरासाइट है इसमें तो इसको खाएंगे। दोस्तों व्हाइट एंगल ऑन के तौर छोटा दिख रहे हैं बेर, पता सही बता रहे छोटा है, मेरे हाथ देख के नाजा लगा ही लेंगे। देखिए दोस्तों ऐसा कहा जाता है इसलिए कि पहाड़ पर आने पर लोगों का घमंड टूट जाता है, क्योंकि वहाँ बढ़िया गाय करो अभी मेरा ब्लॉग चैनल के लिए बढ़िया बन जाएगा। ये लोग कितना टाइम तक रहेंगे? ठीक है गाय करवा, अभी वीडियो बनाते हैं गाय करो लोग का। अपना वाला मत आया हो, अपने घर वाले आ जाते हैं भाई, गाय पहचान जाता है पता है। तो तेरे पीछे भागेंगे? भागेंगे नहीं मतलब बुलाओगे तो आ जाते हैं। तो अच्छी बात है भाई, मैं लगा गरवा चरवा रहा है बोल के तेरे घर वाले डांटेंगे बोल। अरे मैं तेरे को कहानी बताऊंगा, अरे मैं तो कहानी बता रहा हूँ। एक जन ना गाय चरवा रहा था, गाय चरवा नहीं था, एक जन लड़का था ठीक है ना, हम लोग 2 साल बड़े सीनियर थे ठीक है ना, तू नहीं जानता मैं पहले वाले स्कूल का था ठीक है ना। और भाई वो गाय चरवाता था ठीक है, खेत में भी जाता था काम करता ठीक है, और उसका नौकरी लग गया रेलवे में पता ठीक है। तो ना इसको कहते हैं इंस्पिरेशन कि आदमी हर काम करके कर लेता है वाला ठीक है, करना रहता तो कुछ भी कर लेता। तो लोग जैसे मेरे बोलते हैं भाई तू कोचिंग पढ़ाते ही पढ़ता कितने हैं बोल के, वो अपना अपना इंटरेस्ट है समझ, जस्ट लाइक पार्ट टाइम समझ है ना। तो वही आदमी वो खेत में भी देखे हैं उसको ठीक, हम लोग गाय चराते हुए देखे हैं ऐसा टाइप से। तो वही बात है घर का काम करते करते भी कर लेते हैं सब लोग ऐसा टाइप से, क्योंकि पता रहता है ना यही 10 मिनट मिला है उसी में करना है बोल के। और मस्त बहु पेड़ है ना इधर हम लोग को, कुछ कुछ है मेरे को तो क्या हाँ लेना एडिट के बाद भेज देंगे तेरे को।
ये शॉर्ट्स में शॉर्ट्स देख रहा है मेरे जूता ये कैसा है कैसा है क्या हुआ दिखा नट भाई बिज्जती करवाएगी क्रॉक्स मेरा भाई चप्पल बिल्कुल पसंद नहीं है मैं सही बता रहा हूँ ठीक है ना मैं बताते हैं लिया था मेरे को ठीक लगा प्रोटेक्टेड ये है 10,000 लीटर वाला ये 15,000 है भाई देख के लग रहे दोस्तों आप व्यू देखिए व्यू व्यू का मजा लीजिए बाकी सब तो हम देखेंगे ऐसा टाइप से फिर से कैमरा स्विच इसमें शुरुआत में आपको यहीं का व्यू दिखाए थे आपको याद होगा तो है ना यहीं का व्यू दिखाए थे यहीं का ये वो सब लोहा लखड़ है देखना डैम का पानी वहाँ देखिए डैम का पानी नहीं मतलब उसको रोकने के लिए हवाई का पाइप का अंदर घुसाने के बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का मैं चढ़ चुका हूँ एक्चुअली उतरने में डर लगता है अच्छा मेरे को उतरने में आसानी लगता मतलब ऐसे ही सीधा उतरने में डर लगता ये तो भाई 70-80 डिग्री लग रहा है इसका स्लोप देखने स्लेंट हाइट हाँ 80-85 मत उतार पीछा लगे थोबड़ा नहीं बचेगा अरे कान दिए भाई मेरे सही में लेने का ही नहीं अरे ये दे देखना बे गिर जाएगा प्रो मोड ऑन करने दे पहले तो मेरे को प्रो मोड गाइस ये प्रो मोड है हाँ हाँ आ जा ना ही लेना यहाँ मिलते हैं मैं तो आधा उतर चुका हूँ वैसे भी रुकना बे मेरे को पहले उतरने दे कहाँ से वहीं मिलना नीचे मिलना नहीं तो मैं ऊपर मिलूंगा ऊपर मतलब समझ नहीं रहा तो भगवान के पास ज्यादा ऊपर हो जाएगा ये तो हो गया प्रोमोड ऑन गाइस चलिए चलते हैं मैं जो हूँ हाइकिंग का बहुत शौकीन व्यक्ति हूँ है ना आप देख सकते हैं यहाँ पर ठीक है आप ये देखिए ऐसा नीचे जाके आपको मैं फिर ऊपर का दिखाऊंगा कि कैसा लग रहा है ठीक है गाइस GoPro ये इधर से चलते हैं यस गाइस वी हैव डन इट वी हैव अचीव्ड इट अरे ये तो प्रैंक हो गया यार इतना नीचे उतरे भी और उतरना ओम्फो ये गाइस यहाँ पर अच्छा से आसान रास्ता है इधर से चलते हैं ये गाइस अजय लाल से पहले पहुंचने हैं चलिए ये हुआ तो गाइस वी हैव अचीव्ड इट ये देखिए ये है वो पहाड़ सुनना स्कूटी कहाँ पर रखे थे ये देखे गाइस वो वन मानुस वहां पर है कैसा भाई कैसे नहीं उतर पा रहा है स्कूटी कहाँ पर रखे हैं ये बता इधर की उधर स्कूटी कहाँ रखे हैं उधर है हाँ चल तू आराम से है ना तू कितना है तू अभी तक उतरा नहीं है अच्छा अबे तू सोचा था जिंदा ए तू सोचा था जिंदा मिलूंगा बोल के दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपनी अमानत यानी स्कूटी के पास नहीं गा मेरे को ट्रैकिंग का बहुत शौक है माउंटेन्स पे जाने नहीं देते वो अलग बात है हाइकिंग बहुत पसंद है 10 साल से मैं हाइकिंग कर रहा हूँ 10 साल में किया था एक ही बार 10 साल से आज दूसरी बार रिकॉर्ड हो जाता है बीच बीच में एक आध साल एक आध बार बाकी मेरे को पसंद है ये पता है बीचों में गिर गया था तो डरता रे बीचों में गिर गया था पूरा शुक्ला गड़ गया था किधर किधर हाथ कहाँ पर अच्छा ये सर उसी को शुक्ला छेदा जाता है सीधा अच्छा वहां पर मैं खीला से ज्यादा दर्द देता है वैसे अच्छा लगा काफी काफी फास्ट ट्रैक अब क्या 70 डिग्री बोला था ना मैं है 70 डिग्री है 70 डिग्री है
तेरे पैर मत फिस ले, मैं करके मेरा डर लग रहा था, उतर लेगा वो पता नहीं, लेकिन गलती का पता है, एक आध बार हो जाते हैं ना, देख 10 बार माउंटेन क्लाइंबिंग करने वाला व्यक्ति एक आध बार फिसल जाते हैं, पटले मरीज जाता है फिर। सुपा तो गाइस थोड़ा झाड़ बोल लेते हैं, सुपा क्या बोलते हैं इसको, शुक्ला, थोड़ा झाड़ वाड़ लेते हैं। चले गाइस फिर से हम गाने का लुप्त लेते हैं। दोस्तों ये देखिए हम लोग तो स्कूटी को कार बना दी है, म्यूजिक चल नहीं लग रहा ऐसी। ओला वाले में आता है नहीं ओला? हाँ हाँ जल्दी वहां ऑटो वाला। गाइस ये गाने का नाम है नेपाल 2.0 है ना, काफी अच्छा गाना है। कोकड़ा का आपको सवारी दिखा रहे भाई। यहाँ मैं एक बार स्कूटी चला चुका हूँ, बॉम्बे जाए है। इसके पैंट से आवाज आ रहा है। अरे वो दब गियर पकड़ ले, मत कर अम्मा भाई ऑन कर, ठीक नहीं हुई बोल के ऑन कर, ऑन कर देखा ले ले नहीं ले रहा हूँ, चल जा तू नाच आराम से, देख के मोबाइल पानी मत फेंक देना अपने, ये मस्त पानी है ये अपना, ले दे के हाथ धोने का जुगाड़ हो गया। मछली कहाँ है? हाँ हाँ लेना, कौन सा कोई ले जाएगा। किधर है कोकड़ा भाई? वो है ना करिया वाला, दिखा रहे हैं तेरे को। विटामिन डी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ। हां गाइस ये कोकड़ा है, चलना पास जाके दिखाते हैं। फ्लैट एंड बोरिंग भाग जाएगा। अच्छा इसीलिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर लोगों को लेंस इतना है।
एपिसोड।